स्वच्छता सर्वेक्षण में राजगढ़ को नंबर वन बनाने के लिए राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता ने लोगों को स्वच्छता सर्वेक्षण का संदेश देते हुए उनसे सफाई अभियान में जुड़ने की अपील की। देखिए इस रिपोर्ट में। राजगढ़ को स्वच्छता के शिखर पर लाने के लिए कलेक्टर निधि निवेदिता नित नए प्रयोग कर रही है, चाहे स्पॉट पर खड़े रहकर अतिक्रमण हटवाना हो या फिर खुद सड़क पर झाड़ू निकाल कर सफाई करना हो। हर तरह से कलेक्टर निधि निवेदिता जनता को जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर मैडम ने जनता से राजगढ़ को स्वच्छ बनाने की अपील की। हम जिस घर में रहते हैं उसको हमेशा हम स्वच्छ रखना चाहते हैं, साफ सुथरा रखना चाहते हैं। अपने बच्चों को और स्वयं भी हम अपने आप को साफ स्वच्छ और सुंदर बनाकर रखते हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है कि जब हम जहाँ रहते हैं, जिस समुदाय में रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, उसको भी हम उतना ही साफ स्वच्छ और सुंदर बनाकर रखें। इसी के तारतम्य में मैं सभी नागरिकों से अपील करती हूँ कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में होने वाला है उसके मद्देनजर रखते हुए अपने पर्यावरण को, अपनी कॉलोनी को, अपने मोहल्ले को हर तरीके से साफ स्वच्छ सुंदर धूल मुक्त बनाने में सहयोग करें और राजगढ़ को नंबर बनाने में अपनी तरफ से जो भी योगदान हो सकता है वो अवश्य करें। कलेक्टर निधि निवेदिता की अपील के बाद धीरे धीरे लोग अभियान से जुड़ते जा रहे हैं। कुल मिलाकर कलेक्टर निधि निवेदिता के सफाई अभियान में जहां जनप्रतिनिधि, अधिकारी और समाज सेवी जुड़ रहे हैं, वहीं अब आम आदमी भी इस अभियान से जुड़कर शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, राजगढ़।